नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। जम्मू कश्मीर में अगर पत्ता भी गिर जाए तो इसकी खबर पाकिस्तान को हो जाती है। उनकी आंख, नाक, कान सब कश्मीर में हो रही हरकतों को मॉनिटर करते हैं। घाटी में 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती और जितने भी पाक परस्त नेता हैं सभी को बौखला गया। अब ये बौखलाहट कम भी नहीं हुई थी कि एक ऐसी खबर सामने आई या फिर कहीं जम्मू कश्मीर में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसके बाद ये बौखलाहट तीन गुणे बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने यहां पर आदेश जारी किया है। राज्य में रह रहे गैर कश्मीरी लोग अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराकर वोट डाल सकेंगे। हृदेश कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तैनात आर्म फोर्स के अलावा अफसर भी मतदाता सूची में अपना नाम सूचित कराकर वोट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। हृदेश कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव में 25 लाख नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में जुड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी, छात्र, सैनिक, मजदूर और कई दूसरे गैर स्थानीय भी जो कश्मीर में रह रहे हैं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को उस स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र देने की भी जरूरत नहीं है। वहीं सबके बाद महबूबा मुफ्ती को तगड़ी मिर्ची लग गई है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि इस काम का असली मकसद स्थानीय लोगों को यहाँ पर शक्तिहीन करना। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को स्थगित करने के संबंधी केंद्र सरकार का निर्णय पहले भाजपा के पक्ष में पलड़ा झुकना था और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देने से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ नया होगा तो या फिर कुछ बड़ा होगा तो ऐसे में जो पाक परस्त नेता हैं उनको मिर्ची लगना तो स्वाभाविक सी बात है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।